गरीब के ऊपर जुल्म ढाकर निहत्ते के ऊपर वार करते हैं। ये निहत्ते के ऊपर वार करना, ये जो बजरंग दल, ये जो गौ रक्षा के नाम पर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, इसके ऊपर स्टिक से स्टिक कदम उठाएंगे, बड़े से बड़ा एहतजाज कर उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे इनका मुंह तोड़ जवाब देकर इनको इनकी जगह पर बिठाएंगे। जरूर हम तख्त पर ला सकते हैं तो तख्ते पर लेटा भी सकते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन, डिप्लोमा इन अरबिक। 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। मैं मोहम्मद अशरफ, दलित सेना डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट। आज आप सबके सामने आने का मकसद रिसेंट जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका स्टेट में पुनीत करड़ेहल्ली एक गौ रक्षक आतंकवादी ने हमारे एक भाई का मर्डर किया है जिनका नाम इदरीस पाशा है। मैं तमाम हमारे ब्रादरों से अपील करता हूं, हम लोग जितना हो सके उतना इदरीस पाशा का साथ दें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनको इंसाफ दिलाने का काम करें। और मैं ये बताना चाहता हूं, कर्नाटका स्टेट में बीजेपी सरकार की फेलियर की वजह से ये सब हो रहा है। फेलियर को छुपाने के लिए ये हथकंडे अपना रहे हैं ये लोग। जैसे कि यूपी में, बिहार में इस तरह से देखा जाता था पहले, आज कर्नाटका स्टेट में देखा जा रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर से और पीएम से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास इतना ही गट्स है तो आप लोग इंडिया से जो बीफ एक्सपोर्ट होता है उस पर आप लोग रोक नहीं लगा सकते। आप लोगों के पास उसका करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। आप लोग वो छोड़कर गरीब के ऊपर जुल्म ढाकर निहत्ते के ऊपर वार करते हैं। ये निहत्ते के ऊपर वार करना, ये जो बजरंग दल, ये जो गौ रक्षा के नाम पर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना बहुत ज़रूरी है। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ ये लोगों को, तुम लोग जो कर रहे हो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तुम लोग। अगर जिस दिन हम सब्र का इम्तिहान तोड़ देंगे उसके बाद तुम लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, भागते भागते फिरोगे तुम लोग। अगर इतना ही आपको गौ रक्षा करने का जज्बा है तुम्हारे अंदर, तो इंडिया में जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, आप ये जो 2022 की रिपोर्ट है जिसमें इंडिया नंबर थर्ड पर आता है बीफ एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ पर कहाँ पर जाती है आपकी गौ माता? यहाँ पर कहाँ जाती है सरकार? यहाँ पर क्या चूड़ियाँ पहनकर बैठी है? यहाँ पर पीएम क्या चिंगम चबा रहे हैं? उनको बोलने के लिए नहीं आता है? तो अगर आपके पास इतना ही दम है तो आप लोग इंडिया से बीफ एक्सपोर्ट करना बंद कर दो। जब हम मानेंगे ये बीजेपी सरकार वाकई, और ये जो गौ रक्षा दल है वाकई काम करने वाले लोग हैं। गौ जितने भी स्लॉटर हाउस है, जितने भी बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, पूरे आप लोग ही हो इसमें। गौ रक्षा के नाम पर गाय को आप लोग जब्त करते हो, उसके बाद पीछे से लेकर जाके आपकी ही माता को आप लोग सौदा करते हो इसका, जब आपकी माता है, समझ में नहीं आता है आपको? तो मैं ये वार्न कर रहा हूँ और ये अपील कर रहा हूँ हमारे कर्नाटका स्टेट ADGP लॉ एंड ऑर्डर श्री अलोक कुमार जी से। हम ये अपील करते हैं, ये जो गौ रक्षा के नाम पर कर्नाटका स्टेट में ये जो गौ रक्षा के नाम पर आतंकवाद फैल रहा है, इस पर कंट्रोल करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। हम ये अपील करते हैं कर्नाटका सरकार से, ये लोग जो कर रहे हैं इनके ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लगाम नहीं लगेगी, दलित सेना संगठन इसका पुरजोर मजम्मत करता है और बड़े से बड़े पैमाने पर इसका स्ट्राइक करेगा, एहतजाज करेगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार जो कर रही है अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये सब कर रही है। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर श्री राम जो है, उन्होंने ये नहीं बोले कि मस्जिद पर जाकर झंडा ले रहा हो बोल के, उन्होंने मस्जिद के सामने जाके नारे लगाने के लिए नहीं बोले। ये लोग जो कर रहे हैं, इनकी जो नपुंसक हैं ये लोग सुअरों की तरह झुंड में आकर हमला करते हैं निहत्ते के ऊपर। अगर इनके ऊपर इतना ही दम है तो एक के साथ एक आएंगे तो हम बताएंगे इनको। ये लोग, इनका भी कोई गलत, इनकी गलती नहीं है इसके अंदर।
ये जो सरकार है, ये सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को भड़का कर इस तरह से काम करवा रही है। हमने अपील की है और हम रिसेंट मेमोरेंडम भी देने वाले हैं डीसी साहब को, और हम इसका इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कदम उठाएंगे, बड़े से बड़ा एहतजाज कर उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और ये जो गौरक्षा के नाम पर आतंकवाद फैल रहा है, ये जो हिजड़ों की तरह सुअरों की तरह झुंड में आकर जो हमला कर रहे हैं, ये लोग निहत्ते पर वार कर रहे हैं, हम इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे और आने वाले दिनों में ये लोग रोड पर नहीं दिखे वैसा हम कदम उठाएंगे, कानूनी कार्रवाई कर इनको कानूनी तौर पर हम अंजाम तक लेकर जाएंगे। हम लोग जो हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम डर कर माफ़ी सावरकर की तरह चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम हमारा हक लेना जानते हैं और इनको अंजाम तक पहुंचाकर इनका मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। यूपी में बिहार में भाजपा की सरकार थी, वहां पर वो लोग फेलियर से छुपने के लिए ये सब कर रहे थे। अब यहां पर भी जिस तरह से बीजेपी फेलियर हो रही है, उसी तरह से ये लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर संपत्ति वोट लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। और रिसेंट हमारे सीएम बसवराज बोम्मई ने जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में जो 4% रिजर्वेशन स्क्रैप किया है, उनको मालूम होना चाहिए 4% रिजर्वेशन ये हर किसी का हक है, हर कोई कम्युनिटी का हक है। इनको पता ही नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है इस बारे में, चुप नींद में से आकर जो चाहे वो बक दिए, संपत्ति वोट के लिए ये लोग हथकंडे अपना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इनका मुँह तोड़ जवाब देकर इनको इनकी जगह पर बिठाएंगे ज़रूर। हम तख्त पर ला सकते हैं तो तख्ते पर लेटा भी सकते हैं इनको।